आज का टॉपिक है ए टू जेड शॉर्टकट की। यहाँ पर मैंने आपको ए टू जेड शॉर्टकट की लिखी हुई है और इनके बारे में मैं आज वीडियो के द्वारा आपको प्रैक्टिकल करके ए टू जेड शॉर्टकट की पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी आप शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, मेन इंपोर्टेंट होता है सबसे पहले सेलेक्ट करना। जब तक किसी भी मैटर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ए टू जेड शॉर्टकट की कमांड उस पर लागू नहीं होगी। यानी कि पहला हम यहाँ देखते हैं कंट्रोल प्लस ए, जिसमें दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड से आप यूज करेंगे, प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ऑल हो चुका है। इससे क्या होगा कि जब भी इस पर कोई कमांड लगाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कलर आप यूज करना चाह रहे हैं तो कलर का यूज हो चुका है, और यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। ये सभी पर क्यों लागू हो रही है? क्योंकि हमने सेलेक्ट ऑल शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से हम सेलेक्ट ऑल कर किसी भी कमांड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कंट्रोल बी यहाँ पर दिया हुआ है। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को डार्क यानी गहरा करना। जैसे कि सबसे पहले मैं उस मैटर को सेलेक्ट करूंगा, जैसे माउस को मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बी, यानी कि इसकी शॉर्टकट भी हाईलाइट हो रही है, जिससे कि मैं कंट्रोल बी प्रेस करने पर आप देखेंगे जो माउस का जो कलर था डार्क यानी कि बोल्ड हो चुका है। आप यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं क्लिक करके, और शॉर्ट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्ट की है। तो आपने देखा कंट्रोल बी प्रेस करने से किसी भी मैटर को आप डार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी। कॉपी टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी भी हेडिंग या टेक्स्ट मैटर का आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, मगर डुप्लीकेट बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि माना मेरे सामने माउस और कीबोर्ड दो हेडिंग है, मैंने कहा कि माउस का जो हेडिंग है डुप्लीकेट बन जाए, तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की का प्रेस करूंगा। यहाँ से भी कीबोर्ड से कर सकते हैं, और आप ऊपर देखेंगे क्लिपबोर्ड में भी एक फंक्शन दिया हुआ है जो आपको क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कंट्रोल सी करने के बाद डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब तक आप पेस्ट पर क्लिक नहीं करेंगे वो डुप्लीकेट नहीं बनेगा। यानी कि मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने पेस्ट किया, एक बार टेक्स्ट को सेलेक्ट को हटाएगा, दूसरी बार जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कंट्रोल सी से पहले हम कॉपी करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। आप डुप्लीकेट कितनी बार बना सकते हैं? अनंत बना सकते हैं। यानी कि उसको क्लिक करने के बाद और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस बी। तो आपने देखा कंट्रोल सी से हम किसी भी हेडिंग को मैटर को डुप्लीकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डी, जो ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो दिया हुआ है, यानी कि ये कमांड किस काम आती है? अब ये फॉर्मेट फॉन्ट क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर होम मेनू में यहाँ फॉन्ट की कैटेगरी ऑप्शन दिखाई दे रही है, यानी कि ये सारे जो फंक्शन हैं ये सभी फॉन्ट की कैटेगरी में आते हैं। फॉन्ट का मतलब यानी कि फॉन्ट को हम यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, तो ये सभी जो हैं ऑप्शन हैं ये फॉन्ट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से भी आप उसको कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स कौन सा है? जो मैंने अभी बताया कि होम मेनू के अंदर जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये सारा फंक्शन आपको डायलॉग बॉक्स में दिखाई देगा। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, साइज बड़ा करना, लैंग्वेज चेंज करना,
यानी कि आप दिखाई दे रहा है सैंपल प्रीव्यू में, और जब आप ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यानी कि सेलेक्ट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कंट्रोल डी के बारे में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल प्लस ई, यानी कि सेंटर टेक्स्ट। सेंटर का मतलब होता है किसी भी मैटर को पेज के सेंटर में लगाना। अब पेज के सेंटर का मतलब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से आपका जीरो टेक्स्ट से हैंगिंग इंडेंट दे रखा है, और यहाँ पर आपका ये पॉइंट लगा हुआ है स्टॉप का राइट मार्जिन में। जब भी मैं इस पर क्लिक कर कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक इस पेज के सेंटर पॉइंट पर आ चुका है। यहाँ से मैं कीबोर्ड से भी लगा सकता हूँ, और आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ में आपको नजर आएगा यानी कि सेंटर पॉइंट कंट्रोल प्लस ई। यहाँ से आप लेफ्ट पे यूज कर सकते हैं, राइट भी यूज कर सकते हैं, और सेंटर पॉइंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि सेंटर में किस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एफ। अब कंट्रोल प्लस एफ का यूज का क्या है, यानी कि फाइंड ऑफ, यानी कि किसी भी वर्ड को हम सर्च करना। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ मैटर टाइप किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर किसी वर्ड को मैं सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे वो मैटर हाईलाइट हो जाएगा। कैसे, कीवर्ड से मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस एफ, साइड में एक नेविगेशन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे, मैंने लिखा वांट, आप देखेंगे ऑटोमेटिक जहाँ पर वांट लिखा हुआ है ऑटोमेटिक ही वो हाईलाइट हो चुका है। मैंने अगर चाहा कि मुझे माउस का हेडिंग सर्च करना है कि कितनी जगह मैंने लिखा है, तो आप देखेंगे माउस जो हेडिंग है सिर्फ वन स्टेप पर ही यूज किया गया है। तो फाइंड यानी किसी वर्ड को आप सर्च कर सकते हैं फाइंड में। और आप देखेंगे कंट्रोल प्लस एफ दबाने के बाद अगर मैंने किसी वर्ड को लिखा जैसे कि यू, और आप देखेंगे कि यहाँ यू ऑटोमेटिक सामने आपके हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी का यूज क्या है, गो टू द स्पेसिफाई पेज, यानी कि हम किसी भी पेज पर जा सकते हैं, लाइन पर, पेज पर। अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि मेरे सामने दो पेज हैं, एक ब्लैंक पेज है और एक पर मैंने मैटर टाइप किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बनाऊं कंट्रोल प्लस ए सी और वी, यानी कि कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही ये मैटर टाइप होता चला जा रहा है। मैंने मैटर क्यों टाइप किया, डुप्लीकेट क्यों बनाया है, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि ये कंट्रोल प्लस जी यानी गो टू का क्या यूज होता है। जैसे मैं आपको सामने में कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट का यूज कर रहा हूं, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जी यूज करूंगा तो यहां पर आपको सामने दिखाई देगा पेज। यहां पर मांग रहा है एंटर पेज नंबर, पेज नंबर यानी कि आप किस पेज नंबर पर जाना चाहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे फाइल के अंदर कितने पेज टाइप हो चुके हैं। इसका पता करने के लिए आप नीचे कॉर्नर में आएंगे, स्टार्ट बटन से ऊपर थोड़ा सा दिखाई देगा, यहाँ पर पेज 1 of 8 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर आपके 8 पेज टाइप हैं और 1 पर आप फ्रंट पर हैं। अब 8 में से आप नंबर 5 पर जाना चाहते हैं, 5 नंबर ऐड करने के बाद गो टू पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये 5 नंबर पर पहुंच जाएगा। आप नीचे देखेंगे स्टार्ट बटन से ऊपर तो पेज ऑफ 5 of 8, यानी कि हम 5 नंबर पेज पर पहुंच चुके हैं। इस तरीके से गो टू का हम यूज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर काफ़ी फंक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक और कमेंट के द्वारा इसको मुझे बता सकते हैं। इसके अंदर अभी और फंक्शनों का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करें कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का यूज रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी हेडिंग मैटर टेक्स्ट को यानी के चेंज करना। मान कर चलिए हमारा जो हेडिंग हमने माउस लिखा है, माउस की जगह हमें सीपीयू हेडिंग लिखना है, मदरबोर्ड हेडिंग लिखना है, ETC यानी कोई भी आपका टेक्स्ट मैटर हो सकता है, उसको चेंज किस तरीके से किया जा सकता है।
मानिए कि मैंने काफी जगह माउस हेडिंग लिखा है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रॉल कर कर माउस यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि हर पेज पर आपको माउस का हेडिंग दिखाई देगा। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पेज हैं, यानी 8 नंबर के जो पेज हैं, उनमें सभी में ऑटोमेटिकली एक साथ माउस का जो हेडिंग है चेंज हो जाए। उस हेडिंग को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का यूज करने के बाद सामने एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जिसमें आपको रिप्लेस का फंक्शन क्लिक करना है। जो भी आपका मैटर है उसको पहले हटाना है। इसमें जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो मैटर टाइप करें, फाइंड वर्ड, और रिप्लेस विद इसके साथ में न्यू नेम क्या देना चाहते हैं। मान के चलिए यहां पर मैं हेडिंग सीपीयू देना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट आपको दिखाई देगा रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। रिप्लेस वन यानी कि एक पर क्लिक करेंगे तो एक चेंज होगा, रिप्लेस ऑल सभी पेजों में चेंज हो जाएगा, और फाइंड नेक्स्ट यानी कि वो पहले चेक करेगा कहाँ कहाँ हमने माउस हेडिंग लिखा हुआ है। आप जैसा चाहते हैं वैसा यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि सबसे रिप्लेस ऑल यानी कि माउस का हेडिंग सीपीयू में परिवर्तन हो जाए। यहां पर मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे 5 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। ओके करूंगा, यहां से क्लोज कर स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूं, जहां भी मैंने हेडिंग माउस के लिखे थे वो ऑटोमेटिक ही सभी पेजों में माउस हेडिंग चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का यूज करके किसी भी हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा समय बच जाता है और काम इजी हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का यूज यानी कि किसी भी मैटर को इटैलिक करना, यानी कि तिरछा करना, हल्का सा झुकाव होगा नीचे। आप देखेंगे ऊपर फॉन्ट में भी फंक्शन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आई, जैसा कि आप क्लिक करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी आप इसे कंट्रोल प्लस आई का यूज कर सकते हैं। देखिए तो इसमें ये परिवर्तन जो हो रहा है यही इसका यूज है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का यूज यानी कि जस्टिफाई टेक्स्ट। अब जस्टिफाई मैटर क्या होता है, आप देखेंगे कि ये जो मैटर मैंने टाइप किया हुआ है, यहां पर साइड से लेफ्ट से मैटर जो है एक्यूरेट सीधे लेंथ में है, ना तो कोई आगे ना पीछे, और आप राइट से चेक करेंगे तो ये लाइन जो है कोई छोटी है कोई बड़ी है। अब मैं ये चाहता हूं कि जिससे इधर से जो इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, वही मैटर हमारा इधर से भी इक्वल बराबर हो जाए। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे करेंगे और जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे यूज करता हूं। तो सबसे पहले आप उसे यूज करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे, तो आपने देखा लेफ्ट से भी इक्वल हुआ और राइट से भी इक्वल हो गया। और ऊपर आप जाएंगे पैराग्राफ में तो ऊपर भी आपको फंक्शन दिखाई देता है, तो यहां से आप भी क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी एक जस्टिफाई का प्रयोग कर सकता है। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ये मैटर जो लाइन जो है नीचे है, इसको भी मैं सीधे लेंथ पे लाना चाहूं, यानी प्योर जस्टिफाई करना चाहूं, तो यहां पर ये कंट्रोल जे से आपका प्योर नहीं होता है। अगर मैं चाहूं इसको भी करना चाह रहा हूं, इस लाइन को भी सीधा लेना चाह रहा हूं यहां पर जो स्पेस खाली है, तो आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं एडवांस में बता देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट जे। जैसे भी आप कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे तो आप देखेंगे जो नीचे की जो लाइन में स्पेस बचा हुआ था उसका भी मैटर ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो चुका है। तो आप देखेंगे ये जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का यूज होता है यानी किसी भी फाइल का लिंक बनाने के लिए। अब हाइपरलिंक क्या होता है, आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पर यानी कि वीडियो पर, गूगल पर, कि जब भी आप किसी भी फॉन्ट पर यानी कि मैटर पर क्लिक करते हैं तो वही पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वीडियो ओपन हो जाती है, फोटो पर क्लिक करते हैं तो फोटो ओपन हो जाते हैं, इसी तरह से उनको लिंक बना सकते हैं। अब लिंक कैसे बनेगा, सबसे पहले आपके सामने 2 फाइल सेव होनी चाहिए। मान के चलिए मेरे सामने, मैं फाइल में जाता हूँ और मेरे सामने यहाँ पर एक 2 नंबर यानी 1 नंबर की मेरे सामने फाइल सेव है। अब मैं इसका लिंक करना चाह रहा हूँ, तो लिंक करने के लिए पहले मैं उस फाइल में
उसका नाम लिखूंगा फर्स्ट फाइल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर टू नंबर की फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल से प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस के। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस के का यूज करूंगा और उस फाइल को मैं पहले सबसे मेन चीज सर्च करूंगा कि वो फाइल मेरी सेव है कहाँ पर, लिंक तभी बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं फाइल नंबर टू को सर्च कर रहा हूँ, वो नजर नहीं आ रही है, और यहाँ पर मैं फाइल में जाकर चेक करूंगा, मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो यहाँ से इस फाइल का भी लोकेशन पता कर सकते हैं कि ये मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर सेव है। जैसे कि आपको नीचे भी लिंक दिखा रहा है, सी यूजर MGCM डेस्कटॉप, यानी कि टू नंबर की फाइल है। तो आपको कैसे जाना होगा, कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे और यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे डेस्कटॉप। जैसे ही डेस्कटॉप पर जाएंगे, यहाँ फाइल को सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे इस पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिक से ओके करूंगा, तो आप देखेंगे उसका कलर भी परिवर्तन हो चुका है। अब इसका यूज किया है हाइपरलिंक का। जैसे ही मैं ये चाहता हूँ, माना कि मुझको दो नंबर की फाइल में कुछ मैटर देखना है, तो यहाँ से कंट्रोल दबाऊंगा, प्रेस करूंगा और यहाँ पर फिंगर से ऑटोमेटिक उंगली से मैं माउस के द्वारा लेफ्ट से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आपने देखा मैंने क्लिक किया, तो मेरी जो फाइल दो नंबर की थी वो ओपन हो चुकी है। इस तरीके से मैं हाइपरलिंक का यूज कर सकता हूँ। और मैंने पहले से फाइल बना चुकी हूँ, देखिए जैसे मैं नंबर टू से नंबर वन में फाइल में जाना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से ये ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि लोकेशन पाथ नहीं मिल रहा उसको। ध्यान रखिए, फाइल तभी आपकी लिंक होगी जब आपकी फाइल क्लिक होगी, यानी कि लोकेशन के अनुसार उसमें चेंज होगा। तो आपने देखा कंट्रोल प्लस के द्वारा हम किसी भी मैटर का यानी कि लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस एल, यानी कि लेफ्ट एलाइन टेक्स्ट। लेफ्ट का यूज होता है, यानी कि जैसे मैं इसको कंट्रोल प्लस एल करता हूँ, तो आप देखेंगे ये लेफ्ट में यूज हो चुका है। जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कंट्रोल प्लस ई यानी कि सेंटर में, और कंट्रोल प्लस एल से मैं लेफ्ट में यूज कर चुका हूँ। इस तरीके से इन शॉर्ट कीयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट की है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसी के द्वारा मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।